हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा एक वुमेन स्पेशल एपिसोड होने वाला है। ये सिर्फ लेडीज़ के लिए होने वाला है, बट आप देख सकते हो, आप कोई भी देख रहे हो तो आप अपने फैमिली में किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर आपको इफेक्टिव लगा हो तो। तो आज बात करने वाले हैं दो चीज़ों के बारे में, जिससे कि हमारी पूरी मार्केट अभी भर चुकी है। एक है वजाइनल वॉश, दूसरा है वजाइनल क्रीम। वॉश किस लिए कि हम जैसे हम अपने बॉडी में बॉडी वॉश लगाते हैं, साबुन या उबटन कुछ भी लगाते हैं, तो वैसा ही वजाइना के लिए भी एक वॉश आता है जो कि सिर्फ अपने प्राइवेट पार्ट को उसको आप वॉश कर सकते हो। एक क्रीम आता है, वो क्या करता है कि कभी आपको अगर लग जाए कि हाँ मुझे कुछ रैसेस आ रहे हैं, कई लोगों को पीरियड्स के दौरान रैसेस आ जाते हैं, कई लोगों को उनको ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए तो रैसेस आ जाते हैं, थोड़े से यू नो ऐसा भी है कि अगर आप हाइजीन का मेंटेन नहीं कर रहे हो तो उससे भी थोड़े रैसेस आ सकते हैं। तो ये दोनों चीज़, ये दोनों काम करते हैं। तो आज के एपिसोड में मैं यही बताने वाली हूँ कि कौन सा क्रीम आपको इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा आपको वॉश इस्तेमाल करना चाहिए अपने प्राइवेट पार्ट के लिए, यानी कि अपने वजाइना के लिए, जो कि सेफ़ हो। और मैं कौन सा इस्तेमाल करती हूँ वो भी मैं दिखाऊंगी, क्रीम भी दिखाऊंगी और वॉश भी दिखाऊंगी। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। पर उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हों और मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरीके की सारी जानकारी वाले वीडियो आपको मिल पाए। बेल बटन को हिट करना मत भूलना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। और चाहो तो मेरे साथ आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है और इधर आईडी शो कर रहा होगा। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो चलिए, वजाइनल केयर की बात हो रही है, वजाइनल वॉश की बात हो रही है, तो पहले मैं थोड़ा सा ना आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। काफ़ी लोगों को ये जानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए हम वजाइनल वॉश की तरफ जाते हैं कि हाँ इसको भी साफ़ करना ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूरी बात तो है कि हमें हर एक बॉडी पार्ट को साफ़ रखना ज़रूरी है, पर जो वीमेंस वजाइना है, इट्स अ सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस है इसका। ये एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है जो कि हमारे बॉडी में एक लौता, मुझे लगता है कि ऑर्गन है जो कि ऑटो क्लीन होता है, जो हमारे ऐसे घरों में आते हैं ना चिमनी वगैरह जो ऑटो क्लीन, तो ये भी प्रकृति ने इसी तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपको इसके लिए अलग से कुछ इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ये अपने आप सेल्फ हीलिंग करेगा, अपने आप सेल्फ यू नो क्लीनिंग करेगा। जो काफ़ी सारे महिलाओं को हो जाते हैं वाइट डिस्चार्ज, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, वाइट डिस्चार्ज, जो सफ़ेद यू नो थोड़ा थोड़ा लिक्विड सा निकलता है, हिंदी का नाम मुझे नहीं आ रहा है, तो वो जो होता है ना वो हर किसी में नॉर्मल है एक लिमिट तक। वो क्या होता है, वो इसी के थ्रू अपने आपके मेरे या जो अपने हमारी बॉडी खुद अपने प्राइवेट पार्ट को इसी तरीके से साफ़ करती है। तो जो वाइट डिस्चार्ज है, ये अगर आपको हो रहा है थोड़ा थोड़ा, सबको हो रहा है, आपको नहीं पता, आप इसे पूछ नहीं रहे हो, पर सबको होता है। पर क्या होता है कि ये नॉर्मल है, इसी तरीके से ये अपने अंदर की धूल मिट्टी गंदगी जो भी है इन्फेक्शन वगैरह उसको निकाल देता है। एक और प्रॉब्लम जो आ जाती है कि कई लोगों को थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। अब क्या है कि पहले के ज़माने में और थे, आजकल लड़कियां हर जगह जा रही है, आसमान से लेकर ज़मीन के नीचे तक, तो हो सकता है कि थोड़ा आपको दिक्कत हो वाइट डिस्चार्ज से। तो उसके लिए ना मार्केट में पैंटी लाइनर्स है, मैं कुछ ना अगर अमेजोन का मुझे मिल जाए, मुझे आजकल कुछ लिंक प्रोवाइड करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, अगर मैं कर पाऊँ तो मैं कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये पैड जैसा ही होता है जैसे कि हम पीरियड्स में इस्तेमाल करते हैं, पर वो ना इतना पतला होता है, उससे भी आप उसका आप एक चौथाई समझ लो उतना पतला होता है, तो आपको महसूस नहीं होगा। आपने अगर लेगिंग्स भी पहना होगा तो वो आपको ऐसे दिखेगा नहीं कि आपने कुछ पहना है। तो जिनको भी आपको लगता है कि आपको वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहे, तब ये कर सकते हो। एक और जो ऑप्शन है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप प्लीज़ एक गायनोकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हो, क्योंकि मैंने भी कई बार ऐसे बातचीत की है उनके साथ, गायनोकोलॉजिस्ट के साथ। मैं जब भी डॉक्टर के पास जाती हूँ बहुत ज़्यादा बातचीत करती हूँ कि मुझे भी थोड़ी जानकारी मिले, तो वो कई बार ऐसा भी होता है कि कहते हैं कि जिन्हीं को कि बहुत ज़्यादा भी हो रहा है, उनके अगर अंदरूनी कोई तकलीफ़ नहीं है, यू नो फिज़िकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी कहते हैं कि ये अपने आप चला जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि एक्सेसिव है, तो आप एक बार एक गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो, वरना अगर आपको लगता है कि बहुत नॉर्मल है, आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे सबको होता है, मुझे भी होता है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब बारी आती है कि वजाइनल वॉश के बारे में, कि हम वजाइनल वॉश मार्केट से कैसे चुने खुद के लिए कस्टमाइज करके।
वजाइनल वॉश हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि रैसेज ना हो, हमारा प्राइवेट पार्ट क्लीन रहे और उसमें इचिंग वगैरह ना हो, ठीक है। तो कई लोगों में ना अभी अभी जैसे इतना प्रदूषण बढ़ चुका है, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है, तो सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते ही हैं, पर अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको कि कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके लिए मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ ऐसा है कि मार्केट में प्रोडक्ट निकला है आपको यूज़ करना है, तो बस इसीलिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला ये ऑटो क्लीनिंग ऑर्गन है, ये अपने आप साफ होता है। तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है अलग से, तो बाज़ार से कुछ भी खरीद के ऐसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं दिखाऊंगी कि कौन सा वॉश और क्रीम मैं इस्तेमाल करती हूँ, पर उससे पहले एक जो प्रॉब्लम कई बार हो जाती है, लोग कहते हैं, मैंने नहीं सुना है देखा है कि उनको वो कहते हैं कि वजाइना से बैड स्मेल आता है। आप मुझे बोलो, आप कहीं रास्ते से जा रहे हो, आपको कहीं से ऐसा लगा कि आपको कोई स्मेल आ रहा है, आपको लगा हो कि वजाइना से आ रहा है किसी लड़की के, तो ऐसा नहीं होता। ये ऐसा क्योंकि हम अपने शरीर के साथ कुछ ज़्यादा ही समय रहते हैं, तो हमें लगता है कि ये स्मेल बाहर जा रही है, हालाँकि ऐसा होता नहीं है। तो एक मैं अपने कॉलेज टाइम में मैं सुनकर हैरान थी, मैं इसका जब मैंने कंटेंट बना रही थी, तो मुझे अचानक याद आया कि मेरी एक बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त नहीं थी पर जान पहचान की, वो परफ्यूम इस्तेमाल करती थी अपने वजाइनल एरिया के आसपास, और उस वक्त भी मुझे इतना ज़्यादा आइडिया तो नहीं था, पर इतना ज़रूर पता था कि ये ख़तरनाक है। आज भी कई लोग, मैं इसीलिए इस पॉइंट को उठाती हूँ कि कई लोगों को लगता है कि आपको आपका वजाइना कुछ गंदा स्मेल कर रहा है, पर ट्रस्ट मी, वो बाहर किसी को नहीं आ रहा है। आप प्लीज़ अपने पूरे जीवन को रिवाइज करके एक बार पीछे जाके देख लो कि आपको कभी ऐसा लगा हो कि आप रास्ते से जा रही हो, किसी के वजाइना से दुर्गंध आ रहा है, ऐसा नहीं होता है, ये बाहर नहीं जाता है। और जैसे परफ्यूम की बात, कभी भी अपने वजाइनल पार्ट के आसपास या उसके अंदर तो सोचना भी नहीं, परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करना, बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से इन्फेक्शन फैल सकता है। एक और जो प्रॉब्लम हो जाती है कि ऐसे चीज़ों के बारे में हम आज ही, मतलब थोड़ा सा कुछ हुआ हम कहते नहीं हैं, जब तक कि वो बढ़ बढ़ के, मतलब हम चीखने चिल्लाने पर ना आ जाए तब तक नहीं कह पाते कुछ, किसी को शर्म आती है कहने में, कोई नहीं कम्फर्टेबल होता है उतना कहने में। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके वजाइना से अगर कोई ऐसा स्मेल भी आ रहा है, वो सिर्फ आपको आ रहा है, दूसरे लोगों को नहीं आ रहा है, तो इस बारे में टेंशन करने लायक कोई बात नहीं है। अब बारी आती है कि हम मार्केट से जो भी वजाइनल एंटी रैसेस क्रीम आते हैं, वजाइनल वॉश आते हैं, उसमें से क्या चुने। मुझे यहाँ पर कुछ कहना है, थोड़ा सा ये स्किप मत करना, थोड़ा सा देखना। एक जो फलाला कंपनी ऐसे उन्होंने कुछ बनाया, तो उन्होंने ना ही तो आपको देखा, ना ही तो आपने उनको देखा। उन्होंने जब बनाया, उनको नहीं पता कि आपकी फिज़िकल कंडीशन क्या है, आपको कौन सी बीमारी है या आपको कौन सी चीज़ों से एलर्जी है, वो क्या है। मानो कि इस दुनिया में 100 लोग हैं, तो उन्होंने उनमें से 80 लोगों के ऊपर रिसर्च मतलब हिसाब से उसको बनाया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वो सूट कर जाए, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। क्रीम के बारे में भी सेम है, हो सकता है कि आपको जिस वजह से रैसेस आ रहे हैं या इचिंग हो रहा है, हो सकता है कि आप नहीं समझ पा रहे हो और आप एक क्रीम ला के लगा लो। क्योंकि मैं बार बार यही क्यों बता रही हूँ कि वजाइना जो होता है एक वुमेन बॉडी पार्ट में सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। सब सेंसिटिव इसलिए नहीं, सेंसिटिव इसलिए भी कि बहुत जनों यहाँ पर कुछ अब बैक्टीरिया जमा हो सकता है, कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि हम इधर इधर अगर वैसा कुछ करें तो वो उतना ज़्यादा नहीं होगा, पर क्योंकि पार्ट सेंसिटिव है तो क्या होगा कि बहुत जल्द इन्फेक्शन फैल सकता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, ये वीडियो बनाने का यही मतलब है कि आप जब भी अगर आपको लगे कि हाँ हमें कुछ रैसेस वगैरह हो रहा है, इचिंग हो रहा है, हमें कोई सा भी प्रॉब्लम है अपने वजाइना रिलेटेड, तो आप प्लीज़ एक गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाओ। आपको एक ही बार का फीस देना पड़ेगा। जैसे अब मेरे पास जो है, मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इसको आप देख सकते हो, मैंने पेपर से रैप करके दिखा रही हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ये वजाइनल क्रीम है, ये अगर आपको रैसेस वगैरह आ जाते हैं तो उसके लिए मुझे डॉक्टर ने दिया था, तो उसके लिए है ये। मैं 2 साल से मेरे पास है, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं सेम तरीके से रैप करके आपको मैं अपना वजाइनल वॉश भी दिखाने वाली हूँ। तो ये है वो डब्बा जो कि मुझे गायनोकोलॉजिस्ट ने दिया था। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ और क्यों नहीं दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास इसका कोई लाइसेंस नहीं है। मैं डॉक्टर के पास गई, उनको मैंने अपना प्रॉब्लम बताया कि मुझे ये है,
उन्होंने सुनकर मेरे लिए यह कस्टमाइज करके दिया। जो मार्केट का आता है वो सभी समस्त मनुष्य के लिए बना होता है, ठीक है, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे सूट कर जाए या आपको सूट कर जाए। हाँ, हो सकता है कि इतने लोगों में मुझे भी सूट कर जाए और मेरे आसपास के 50 लोगों को सूट कर जाए, पर हो सकता है कि 91 नंबर के लोगों को उसको ना सूट करे, तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो यही इस वीडियो का मेरा मकसद है कि आप जब भी वजाइनल वॉश चुनो या रैसेस वगैरह के लिए कुछ भी मार्केट का या यूट्यूब से DIY करके प्लीज़ वजाइनल एरिया में मत लगाओ। बाकी पूरा आपका बॉडी है, कुछ भी कर लो। इसीलिए मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन ना वजाइनल में जल्द फैलता है और फैलेगा। आजकल आपको पता ही है कि सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट ट्यूमर, सर्वाइकल ट्यूमर इतना कॉमन हो गया। मेरे काफ़ी सारे दोस्तों में है, आई होप कि उनको अभी तक ठीक हो चुका है, तो उनसे मेरी कांटेक्ट नहीं है। तो मैं तब पढ़ रही थी, मतलब उतने साल पीछे से, तब से ये हम कम उम्र के थे तब से हो रहा है। आजकल आई गेस कि और भी ज़्यादा फास्ट हो चुका है इसका जो प्रोसेस है, एज प्रोसेस है। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप कोई गलती ना करो, आपको एक ही बार का फीस देना होगा। जैसे कि ये दोनों प्रोडक्ट मैं 2 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मुझे वॉश दिया गया है उन्होंने, डॉक्टर ने मुझे कहा था रेगुलर करो। अब रेगुलर करो का मतलब ये नहीं कि उसको ऐसे घिसते रहो, नहीं, मैं बस 5 सेकंड का टाइम लेती हूँ। ऐसे मैंने हाथों में पोर किया, इस तरीके से रगड़ा, बस धो दिया, क्योंकि मैं डेली वॉश कर रही हूँ। और जैसे कि है, मैंने बोला कि ये एक ऑटो क्लीनिंग ऑर्गन है, पर क्यों फिर भी मैंने क्यों वॉश लिया, क्योंकि हमारा एटमोसफियर में इतने ज़्यादा पोल्यूशन है, हमारे खान पान में हम जो भी खा रहे हैं सारे पेस्टिसाइड्स वाले, जो कीटनाशक वाले खाने वो सब खा रहे हैं, वो सब सब्जी का खा रहे हैं, तो क्या होता है ना, इसके ऊपर से ना हमारे बॉडी का जो कंट्रोल होता है, जो इम्यून पावर होता है वो कमज़ोर रहता है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने गई थी, तो उन्होंने मुझे जो वॉश दिया है उन्होंने कहा है कि इसको आप रेगुलर इस्तेमाल करोगे तो आपको क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उनकी बात बिल्कुल सच है कि ये जो क्रीम का डब्बा है नया का नया पड़ा हुआ है। मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी 2 साल पहले, मतलब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कि मुझे कुछ रैसेस वगैरह आ रहे थे, इचिंग हो रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये डेली करो तो तुमको ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर इमरजेंसी के लिए एक ट्यूब तुम खरीद कर रखो। तो ये 2 साल से पड़ा ही हुआ है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं रोज़ाना इंटीमेट हाइजीन के लिए उसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। आई विश कि मैं आपको बता पाती, आई विश कि मेरे पास ऐसा सर्टिफिकेट होता कि मैं आपको बता पाती। हो सकता है कि मुझे जो ब्रांड मिला हो, आप अगर जाओ तो आपको भी सेम ही ब्रांड मिले, पर फिर भी वो आपके लिए थोड़ा बहुत तो कस्टमाइज होगा ना, मार्केट के प्रोडक्ट से तो ज़्यादा ही कस्टमाइज होगा। और जैसे कि मैंने बोला, मैंने 2 साल पहले गया था, मैंने उसी बार मुझे एक ही बार का फीस लगा, और एक आपको गारंटी भी रहती है, अगर आपको कुछ दिक्कत हो जाए तो है डॉक्टर, उनका लिखा हुआ है तो वो कुछ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बनाने का यही मुद्दा था कि आप जब भी इंटीमेट हाइजीन के लिए कोई सा भी वॉश चुनो या कोई सा भी क्रीम चुनो, इचिंग वगैरह के लिए, रैशेस वगैरह के लिए, प्लीज़ 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 एक गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाओ और उनसे आप पूछो, तो वो आपको रेकमेंड करेंगे एक क्रीम और एक एक वॉश, और वो आपको प्रोसेस भी बता देंगे आपके बीमारियाँ आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, तो आप उस हिसाब से इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए सही रहेगा। इस है तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा, कुछ हल्का सा स्मेल है तो ज़मीन नहीं फट जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और क्योंकि ये सेल्फ हीलिंग एक ऑर्गन है तो ये खुद ब खुद साफ भी होगा, वो जो जो डार्कनेस है ना, क्योंकि एरिया थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस करती है तो वो रहेगा, तो इसमें शर्मिंदगी की कोई बात है नहीं। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चाहो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जुड़ सकते हो, अकाउंट इधर होगा और लिंक नीचे होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में। आपको अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर जल्द से जल्द कुछ लाने की। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में। टेक केयर एंड बाय।